प्रथम वर्ष के नव प्रवेशित सभी विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर आलोक जैन आपका भूगोल प्रायोगिक की कक्षा में स्वागत करता हूं। छात्रों, हमने पिछले कई महीनों से व्हाट्सएप ग्रुप पर भूगोल के द्वितीय प्रश्न पत्र मानव भूगोल का अध्ययन किया था, जिसमें उससे संबंधित सभी नोट्स, पीडीएफ और वीडियो हमने देखे थे। उसके असाइनमेंट क्वेश्चंस वो भी मैंने दिए थे, जो आपने कर लिए होंगे। छात्रों, अब हमारा प्रायोगिक का कार्य शुरू हो रहा है। क्लासेस भी शुरू हो चुकी है। मंडे से आप लोग रेगुलर क्लास में आए। हमारी क्लास रूम नंबर 63, 62 और 49 इनमें लगेगी। समय रहेगा दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक। पहले मैं आपको प्रैक्टिकल से परिचय करवाना चाहता हूँ कि आपको प्रैक्टिकल में क्या पढ़ना है, क्या आपका सिलेबस है। हम आज के वीडियो में पहले अपने प्रायोगिक सिलेबस या पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। प्रथम वर्ष का जो भूगोल प्रायोगिक है, उसका नाम है मानचित्र कला प्रथम। मानचित्र कला से संबंधित कई विभिन्न चैप्टर हमें इसमें पढ़ने हैं। तो पहले हम इस सिलेबस की चर्चा कर लेते हैं कि सिलेबस किस तरह का है और इसमें कौन कौन से मुख्य पार्ट हैं जिन पर हमें बात करनी है, पढ़ना है। ये सिलेबस इंग्लिश में है, जिसे मैंने प्रयास किया हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको समझाने का। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों बारी बारी से आपको बताता रहूँगा, जिससे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी समझ सके और हिंदी वालों को भी समझ में आ सके। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, बड़ा कर देता हूँ, ताकि आप इसको अच्छे से देख सकें। ये है हमारा भूगोल प्रायोगिक का सिलेबस, या जिसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं, ठीक है। प्रथम वर्ष कला भूगोल। और जो बच्चे 11वीं और 12वीं भूगोल से पढ़कर आए हैं, उन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं है, क्योंकि वे इन सब बातों को, इसके चैप्टर को अच्छे से समझते हैं, पढ़ते हुए आए हैं। और जो नए बच्चे हैं, उन्हें थोड़ा सा नया लगेगा, तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, वो भी थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। तो पहले मैं इंग्लिश वर्ड आपको बताऊंगा, फिर उसका हिंदी ट्रांसलेट करके हम देखेंगे। तो भूगोल प्रायोगिक बीए प्रथम वर्ष फर्स्ट ईयर, ज्योग्राफी प्रैक्टिकल जिसे हम कहते हैं कार्टोग्राफी फर्स्ट, मानचित्रकला प्रथम। ये आपका सिलेबस 3 यूनिट में विभाजित है और तीनों यूनिट से परीक्षा में एक एक प्रश्न करना अनिवार्य होगा। 6 प्रश्न प्रैक्टिकल के रिटर्न टेस्ट पेपर में पूछे जाते हैं, जिसमें से कोई भी 3 आपको करने हैं, लेकिन वो 3 एक एक यूनिट से होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि एक ही यूनिट से 2 कर दिए और बाकी से नहीं किया, ऐसा नहीं होगा। ये पूरा जो टेस्ट पेपर है, इसका जो अंकन है, वो आपको मैं वो भी बता दूंगा। लगभग ये आपका 30 नंबर का रिटर्न टेस्ट पेपर है, जिसमें आपको 3 प्रश्न बारी बारी से करने हैं। प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का होगा, ठीक है। 15 नंबर का रिकॉर्ड वर्क होगा, जो प्रायोगिक कार्य हम कराएंगे वो आपको समय समय पर करना है और अपने रिकॉर्ड तैयार करनी है। और 15 नंबर रिकॉर्ड वाई और इसके ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो कुल मिलाकर आपका 60 नंबर का ये प्रायोगिक का पेपर होगा, जिसमें 30 नंबर तो हम स्थानीय लेवल पर रिकॉर्ड और वाई पर निर्धारित रहेंगे, और 30 नंबर यूनिवर्सिटी के थ्योरी पेपर जो होंगे उनके साथ एक रिटर्न टेस्ट पेपर लिया जाएगा, उसमें 3 प्रश्न आपको करने होंगे। तो ये आपका एक मार्किंग सिस्टम रहेगा। अब हम बात करते हैं आपको करना क्या है। आपकी फर्स्ट यूनिट, जिसमें पहला पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ कार्टोग्राफी। हिस्ट्री ऑफ कार्टोग्राफी के अंतर्गत आपको मानचित्रकला और उससे संबंधित अध्ययन देखना है, अर्थात मानचित्रकला का इतिहास। मानचित्रकला एक विज्ञान और कला का मिश्रित रूप है, इस पर हमें विस्तार से चर्चा करनी है। लेकिन इससे संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसमें केवल आपको जानकारियां रखनी है और टिप्पणी पर इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट रहेगा, मानचित्र कला। रिकॉर्ड में करने के लिए हमारे पास स्केल या मापनी है। मापनी के अंतर्गत डेफिनेशन एंड टाइप्स। डेफिनेशन मतलब परिभाषा, मानचित्र मापनी की परिभाषा और उसके प्रकार, कितने प्रकार की
मापनियाँ होती हैं। स्टेटमेंट स्केल, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन एंड ग्राफिकल स्केल, इस मापनी को हम किस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं, कैसे व्यक्त कर सकते हैं, इसके तीन टाइप्स हैं, स्टेटमेंट, आरएफ और ग्राफिकल स्केल। इन तीनों प्रकारों को मैं हिंदी में बताता हूँ आपको, मापनी, परिभाषा और प्रकार। कथनात्मक, आरएफ को कहते हैं निरूपक भिन्न, और ग्राफिकल मेथड आलेखी मापनी। ठीक है, तो ये आपके प्रकार हैं मानचित्र मापनी को प्रदर्शित करने के, व्यक्त करने के। इसके बाद इसी सेकेंड पॉइंट में एक पॉइंट है, इंटर कन्वर्जन ऑफ आरएफ एंड स्टेटमेंट स्केल, अर्थात आरएफ और कथनात्मक मापनी को एक दूसरे में परिवर्तित कीजिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेन, कंपेरेटिव, डायगनल और टाइम स्केल, हिंदी में भी बता देता हूँ मैं आपको, मापनी की परिभाषा और प्रकार, कथनात्मक, निरूपक भिन्न और आलेखी मापनी, ये तीन प्रकार हो गए। इसके बाद कथनात्मक से निरूपक भिन्न और निरूपक भिन्न से कथनात्मक मापक में परिवर्तन करना। ठीक है, अब ये जो स्केल हैं, इस स्केल में आपको कुल मिलाकर सिलेबस में 10 एक्सरसाइज दी गई हैं, आपको इसमें से 8 शीट तैयार करनी है, और 8 में आप एक शीट पर दो सवाल भी कर सकते हैं। तो जैसे 8 शीट हैं, तो दो शीट आप प्लेन स्केल की बनाएंगे, दो शीट तुलनात्मक मापनी की, और दो शीट कर्णवत मापनी की बनेगी। 6 तो ये हो गई, और दो आपको बनानी है समय मापनी की। तो इस तरह से 8 स्केल की आपको शीटें तैयार करनी होगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट पहली यूनिट का है, एनलार्जमेंट, रिडक्शन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ मैप। एनलार्जमेंट का मतलब होता है मापनी का विवर्धन, मानचित्र का विवर्धन। रिड्यूसिंग का मतलब होता है लघुकरण, और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है संयोजन। तो मापनी को बड़ा या छोटा करना, मानचित्रों को बड़ा या छोटा करना, जब मानचित्रों को मूल आकार से बड़ा करते हैं तो उसे हम कहते हैं विवर्धन, और जब उसे मूल आकार से छोटे आकार में बनाया जाता है तो उसे कहते हैं लघुकरण, और जब मानचित्रों को बड़ा या छोटे आकार में परिवर्तित करते हैं तो उसके लिए हमें मापनी को बड़ा या छोटा करने की आवश्यकता होती है। तो ये कैसे किया जाता है वो हम क्लास में सीखेंगे, और इसके ऊपर आपको दो शीट्स तैयार करनी है। तो इस तरह से फर्स्ट यूनिट से आपको लगभग कुल 10 शीटें तैयार करनी है। ठीक है, कम से कम 10 करनी है, जिसमें 4 प्रकार की स्केल है, प्रत्येक की 2-2, 8 वो हो जाएगी, और विवर्धन, लघुकरण और संयोजन, इसमें 2 शीटें बनेगी। तो इस तरह से फर्स्ट यूनिट से आपको 10 शीटें बनानी है। अब देखिए आपका यूनिट सेकेंड, उसमें पहला पॉइंट है मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ, इसको हिंदी में बोलेंगे उच्चावच प्रदर्शन की विधियाँ। धरातल पर जो ऊंचे नीचे स्थलाकृतियाँ हैं उन्हें हम किस तरह से प्रदर्शित करें, उसकी कौन कौन सी विधियाँ हैं। कुछ विधियाँ मैं बोल रहा हूँ, जिसमें हेश्यूर विधि, आकृति रेखा जिसे फॉर्म लाइन मेथड कहते हैं, समोच्च रेखा, कंटूर और लेयर टिंट विधि जिसे हम रंगरेखा विधि भी कहते हैं। तो इन 4 विधियों से हम उच्चावचों को प्रदर्शित करते हैं। तो इन 4 विधियों के मानचित्र और उनकी विशेषताएं हमें ड्राइंग शीट पर और आपके रिकॉर्ड फाइल में लिखनी है और उनको बनाना है। ये यूनिट फर्स्ट का पहला टॉपिक था, मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलीफ, हेश्यूर, फॉर्म लाइन, कंटूर एंड लेयर टिंट मेथड, इनका हिंदी अनुवाद अभी मैंने बताया था। ये 4 शीटें बनानी है। यूनिट सेकेंड में सेकेंड पॉइंट है आपका कंटूर पैटर्न्स रिप्रेजेंटेटिंग ग्लेशिएटेड, एरिड एंड फ्लूवियल टोपोग्राफी। इसमें आपको क्या करना है, आपकी जो स्थल रूप हैं या स्थल आकृतियाँ हैं उनमें से हिमानी निर्मित शुष्क स्थलाकृतियाँ और नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ, इन स्थलाकृतियों के डायग्राम्स और उनकी प्रमुख विशेषताएं और उनके स्थल रूपों का वर्णन करना है। तो 3 शीट इसकी बनेगी आपकी। और तीसरा यूनिट का तीसरा प्रकार है प्रोफाइल्स, जिसे हम परिच्छेदिका कहते हैं। परिच्छेदिका में आपको टाइप्स ऑफ प्रोफाइल, परिच्छेदिकाओं के प्रकार, कंस्ट्रक्शन ऑफ सीरियल, सुप्रीम पोज्ड, प्रोजेक्ट एंड कंपोजिट प्रोफाइल, सभी प्रकार की जो प्रोफाइल्स हैं, परिच्छेदिकाएं हैं, उनका
किस तरह से संरचना होती है, किस तरह से उनको बनाया जाता है, उसकी विधि हमें दर्शानी है। तो ये आपका थर्ड पार्ट होगा इसका, परिच्छेदिका और उसके प्रमुख प्रकार। तो आपने देखा यूनिट फर्स्ट में आपकी कुल 10 शीटें आप बना रहे हैं और यूनिट सेकेंड में 4, 3, 7 और 2, 9 शीटें इसमें आपकी बनेगी। अब इसके बाद तीसरा यूनिट आता है जिसमें मौसम उपकरण से संबंधित बातें हैं। मौसम उपकरण में ताप मापी, ताप लेखी, वायुदाब मापी और वायुदाब लेखी, आर्द्रता मापी, वर्षा मापी, वात दिग्दर्शी, पवन वेग मापी, वर्षा मापी और वर्षा लेखी, इन सभी उपकरणों की सामान्य जानकारी आपको पढ़नी है। इस पे प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में। और इसी का दूसरा पार्ट है मौसम चिन्ह। जो मौसम के चिन्ह होते हैं मानचित्र में दर्शाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसे मैं इंग्लिश में भी बता देता हूँ। यूनिट थर्ड इसमें है आपका प्रिंसिपल्स एंड वर्किंग ऑफ वेदर इंस्ट्रूमेंट। मौसम मानचित्र के जो उपकरण हैं, मौसम उपकरण, वो किस तरह से कार्य करते हैं, उनके सिद्धांत क्या हैं और कौन कौन से उपकरण हैं, थर्मोमीटर, थर्मोग्राफ, बेरोमीटर, बेरोग्राफ, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोग्राफ, रेन गेज, विंड वेन एंड कप एनीमोमीटर। इतने उपकरणों के बारे में आपको जानकारी रखनी है। सेकेंड पॉइंट वेदर सिंबल है जिस पर एक शीट तैयार होगी आपकी, जो भारतीय मौसम मानचित्र पर आधारित है। और तीसरा पॉइंट है इसमें रिप्रेजेंटेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ क्लाइमेटिक डाटा। जलवायु के जो आंकड़े हैं हम उन्हें किस तरह से ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं, उनमें चार प्रमुख ग्राफ हैं। पहला है रेनफॉल हिस्टोग्राम, दूसरा हीदर ग्राफ, तीसरा क्लाइमोग्राफ और चौथा रेनफॉल वेरिएबिलिटी ग्राफ। इसे हिंदी में भी समझ लीजिए आप। ग्राफ में पहला वर्षा आयत चित्र, दूसरा हीदर ग्राफ, तीसरा क्लाइमोग्राफ और चौथा वर्षा विषमता आलेख। तो इस तरह से ये तीन यूनिट में आपका प्रायोगिक का सिलेबस सिमटा हुआ है। तीसरी यूनिट में आपको लगभग 4, 2, 6 और 1, 7 शीटें तैयार करनी है। तो कुल मिलाकर ज़्यादा नहीं तो लगभग 18 से 20 शीटें आपकी तैयार होनी ज़रूरी है, इससे कम नहीं चलेगा, ठीक है। अब इस सिलेबस की किस तरह से मार्किंग होगी, किस तरह से परीक्षा होगी, उसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो रिटर्न टेस्ट पेपर होगा वो 2 घंटे का सैद्धांतिक परीक्षा के साथ होगा जो विश्वविद्यालय द्वारा लिया जाएगा। इसमें प्रत्येक यूनिट से 2-2 प्रश्न अर्थात 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें से 3 हल करने हैं और प्रत्येक इकाई से 1 प्रश्न करना जरूरी होगा। कुल पेपर आपका 30 अंकों का होगा। इसके बाद जो 30 अन्य मार्क हैं वो हैं रिकॉर्ड और वाईवाई के। तो 30 तो टेस्ट पेपर हो गया, रिकॉर्ड के 15 नंबर हो गए और वाईवाई के 15 नंबर। तो इस तरह से कुल 60 नंबरों का ये प्रैक्टिकल होगा। और इसके संबंध में जो सबसे अच्छी बुक है वो है जेपी शर्मा की प्रायोगिक भूगोल, जो रस्तोगी प्रकाशन मेरठ से प्रकाशित होती है। तो छात्र आप ये पढ़ सकते हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा। और जैसे जैसे हम नोट्स बनाते जाएंगे, भेजते जाएंगे या क्लास में आपको समझाते जाएंगे, वैसे वैसे आप अपने चैप्टर तैयार करते रहें। समय कम है इसलिए हमें उसके अनुरूप हमारी तैयारी जारी रखनी है। अगले वीडियो में मैं आपके साथ फिर उपस्थित होऊंगा जिसमें हम मापनी और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।